हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 5 मिनट इजी ऑफिस मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये मेकअप समर के लिए बेस्ट है, नो मेकअप मेकअप लुक टाइप का मेकअप है। अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो इस वाले मेकअप लुक को इजीली क्रिएट कर सकते हैं किसी भी आउटफिट के साथ, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो। तो मेकअप बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और इसको फटाफट से आप क्रिएट कर पाओगे। तो इस वाले मेकअप लुक को मैंने कैसे अचीव किया है सिर्फ 5 मिनट में, चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। तो मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। किसी भी स्किन टाइप के हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपने होठों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए ब्लू हेवन का लिप बाम अप्लाई कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर मैंने लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक का पोर मिनिमाइज़र प्राइमर। तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें मेकअप के पहले, आपके फेस पे एक अच्छा सा बेस बन जाता है जो कि मेकअप आपका लॉन्ग स्टे करता है, आपके पोर जो है मिनिमाइज़ हो जाते हैं और पसीना वगैरह भी कम आता है। तो इस तरह से अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे 925 का ये प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन यूज़ किया है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपको लगा के और अच्छे से ब्लेंड कर लेना। तो यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप कोई सी भी BBCC क्रीम भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे कंसीलर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर लिया है जिसका जो शेड है 02 Sensible है। तो इस तरह से अपने हाई पॉइंट पे लगा के जहाँ आपको हाइलाइटिंग की नीड है वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आप डे का लुक क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब हल्का कंसीलर लगाइए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा आपका फेस। तो इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है जैसे आप कंफर्टेबल हो, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से। अब अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ मैं NYBA के कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ में। गाइस ये भी बहुत ही अच्छा लाइट वेट कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है और आपको एक मैट फिनिश लुक देता है। अगर आप ऑयली स्किन के हो या गर्मियों के लिए आपको बेस्ट आप चाह रहे हो कॉम्पैक्ट, तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, अंडर 100 मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं अपने फेस पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ बहुत ही लाइट। अगर आपको जल्दी है, आप ये वाला स्टेप अवॉइड करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मुझे तो प्रॉपर मेकअप आप लोग के साथ में शेयर करना है तो मैं दिखा रही हूँ। तो ब्रॉन्जिंग कर ली है, नोज़ को भी मैं हल्के से कॉन्टोर कर लूँगी, आप देखिए बहुत ही लाइट। उसके बाद बहुत ही लाइट मैं ब्लश अप्लाई करूँगी क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी के अकॉर्डिंग मैं मेकअप शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा ब्लश वगैरह ना लगाएं अगर डे के लिए आप लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लश भी मैंने अप्लाई कर लिया एंड हाइलाइटर भी मैं अप्लाई कर लूँगी। तो हाइलाइटर भी बहुत ही लाइट आपको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो बहुत ही अच्छा सा लुक मिलेगा, नो मेकअप मेकअप लुक टाइप का ये लुक है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। बहुत ही नेचुरल लगता है ये ऐसा लुक। और मुझे भी जब भी कहीं बाहर जाना होता है या छोटी मोटी ओकेशन पार्टी में जाना होता है, मैं इसी तरह का लुक कैरी करती हूँ। बहुत तारीफ मिलती है गाइस सच में। तो इस वाले लुक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, खासकर आप वर्किंग हैं। तो इस तरह से अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। स्विस ब्यूटी के ये जो आईब्रो पेंसिल है काफ़ी अच्छी है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। इस पर मैंने ब्राउन शेड लिया, 2 शेड इसमें आपको और मिल जाएंगे, ब्लैक एंड ग्रे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपकी आईब्रो थिन है मेरी तरह तो ब्राउन शेड के साथ जाएँ, थोड़ा सा आप थिक है तो ग्रे एंड ब्लैक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैबेलिन का मैंने ये काजल लिया है, तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम काजल ट्राई किया है, तो काफ़ी अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ है। और मेरा कैमरा ऑफ हो गया था गई, तो उसके लिए सो सॉरी। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्राउन शेड लेके मैंने पूरी आईलिड पे लगा लिया है एंड यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो क्योंकि उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैं भूल गई थी। अब यहाँ पे मार्स की मैंने ब्राउन शेड की लिपस्टिक लगा ली है, तो आप कोई सा भी न्यूट शेड भी लगा सकते हो, इस टाइप की भी लिपस्टिक लगा सकते हो जो आपको पसंद है। एंड अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ ज़रूर करें, इससे मेकअप आपका कई गुना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, लॉन्ग स्टे करेगा। अब आई लैस को मैं कर्ल करूँगी और उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का ये ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा लिया है, काफ़ी अच्छा बजट में है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कोई सा भी न्यूड ब्राउन आई शेडो लेना है आपको, पूरे लिड पे अप्लाई कर लीजिए और आप ठीक है थिन लाइनर ड्रॉ कर लीजिए तो आपका लुक कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा गाइज मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह से। सो अगर गर्मियों में कुछ इस तरह से न्यूड एंड नेचुरल मेकअप लुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप की लेडीज़ इसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बेस्टर्न के साथ में लुक को कंप्लीट किया है। किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ भी जा सकते हैं। इयररिंग्स, हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी अपने पसंद का आप रख लो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने कुछ इस तरह से लुक क्रिएट किया, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को सपोर्ट भी करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।